प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। और ब्लॉग भाई ऐसा है कि कहीं जाने का नहीं ऊपर अपना जो भी है भाई डालते रहना है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से भी मेल आया था भाई कुछ ना कुछ डालते रहो अपना जो भी कंटेंट ना। तो बाकी व्यूज़ की बात रही, व्यूज़ तो भाई अपने कुछ खास आ नहीं रहे क्योंकि बीच में मैंने यूट्यूब का काम छोड़ा था। जिस टाइम पर मेरी एक शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं वायरल की थी बहुत बढ़िया, जिसमें कम से कम 7 लाख करीब व्यू थे, वो तब से काम छोड़ दिया था। फिर अब लग रहा है कि करना चाहिए आगे वो कंटिन्यू, इसलिए जो भी अपना थोड़ी बहुत दिखा रहा हूँ कैसा लग रहा है आपको ये जरूर बताना। कमेंट तो कोई करता नहीं है तो ठीक है। बाकी साउंड आ रही है आपको बैक से, सामने है आर्मी ग्राउंड है, हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग चलती ना उनकी, अगला दिखा रहा हूँ सामने में। गाइस देख सकते हैं बाकी अपने हो रहे हैं बढ़िया से पत्ते, ये पिनालू गडेरी के दिवाली के टाइम पे तैयार हो जाएंगे। बाकी इनकी सब्जी बनाएंगे एक दिन, ये तो बड़े हो गए ना, ये जब गोल गोल मुड़े रहता है तो ऐसे करके तब टेस्टी होती है, काबा बोलते हैं काबा पहाड़ी। और सामने भी देख सकते हैं सामने भी गाबे के बहुत पेड़ हैं। तो ये सूख चुके हमने कपड़े बढ़िया करके उठाते हैं इनको, आज का जो मौसम दिखाता हूँ आपको क्या मस्त है भाई यार, ऐसी धूप खिली हुई है। और ये क्या मस्त धूप के लिए है, आज तो गद्दे उद्दे सुखाने को रहा भाई बढ़िया। और ये अपना छोटा सा तुलसी का पौधा आज पानी मांग रहा है, इसमें डालते पानी ना दोगे बढ़िया मस्त। ये रहा अपना नीम का पेड़, इसकी तो औषधि गुण बताए होंगे आपको, खाली पेट पीना चीज़ का आधा कप पानी। तो भैया जी अपना बनाया दिन का लंच, बनाते हैं बढ़िया सी दाल, आज दाल है खड़ी वाली और साथ में चावल बढ़िया करके, 2 चम्मच घी डाल दिया है, थोड़ी डाल दिया जीरा। अब खोलते हैं कुकर का ढक्कन, सीटी तो खुली चुकी है देखते हैं भाई। और मस्त अपनी दाल गई है बढ़िया गल, ये कम से कम 7-8 सीटी लगी इसमें तभी गली भाई, ये तुम्हें बताइए खड़ी दाल की होती है ना, राजमा वाजमा सारी मिक्स है इसमें, चना बना तो ठीक है। बाकी अपना ये रेडी हो चुका है, इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन, उसको देता है भुना। बाकी तो डालने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लाल मिर्ची डाल के पाउडर, बाकी मसाले में जैसे तलसी ऑलरेडी मिला रखे हैं देख लूँगा आपको। और साथ में चावल जो कि 15 मिनट पहले भिगा दिया था, चावल ना काफ़ी बढ़िया बनता है उसके बाद दिखाने के बाद, तो ठीक है दिखाता हूँ बाद में बनने के बाद। तो मेरी दाल गज्जब भाई गज्जब, क्या मस्त गली है देख सकते हैं आप। और बाकी चढ़ गया अपना चावल कुकर पे, ये दोस्तों दाल तैयार और ये चढ़ गया चावल, खाते हैं फिर निकलते हैं ड्यूटी को। अपना चावल ये दाल रेडी, लगाते हैं थाली में दोस्तों, ये रेडी अपनी थाली स्पेशल थाली, इसमें अचार है थोड़ी बंगाली मिर्च है, तो इंजॉय करते हैं आप भी इंजॉय करो। तो दोस्तों शाम को अपनी ड्यूटी निपटने के बाद सामने मैं जल संस्थान के ऑफिस के सामने लगाते हैं भैया, इनका नाम पवन भाई, लगाते हैं बढ़िया चाप ना बढ़िया सा होम थिएटर, बढ़िया सा अपना खाना बनाते हैं। रात का ड्यूटी से आ चुका हूँ, अब सुनते हैं थोड़े गाने। उसके बाद बनता अपना खाना बढ़िया, खाने में देखता हूँ आज क्या बनता है। बैग में लाया हूँ भाई भिंडी है तोरियाँ, भाई कितनी फ्रेश सब्जी देख सकते हो और सस्ती भी हो रही है, भिंडी तोरिया काफ़ी टेस्टी होती है तोरे की सब्जी, तो इसको बनाते हैं बढ़िया करके। गाइस ये अपना तैयार हो गया है बढ़िया सा तोरिया की सब्जी विद आलू और ये अपनी कढ़ाई दोस्तों, ये बन गई अपनी रोटी, दिखाता हूँ आपको भी, ये आप देखो इसे कमाल भाई क्या फूली की मस्त, ये फूल चुकी रोटी, मज़ा आ गया मज़ा आया। बाकी अपनी रेडी है सब्जी तोरियाँ की आलू, सीजनल सब्जी ना यार, जैसे कि तोरिया हो गई, बैगन हो गया, करेला हो गया और भिंडी हो गई भाई, टमाटर का नाम मत देना, टमाटर अभी भी 200 रुपये किलो चल रहा है। बाकी फाइनली अपनी बन गई रोटी, थोड़ी जल गई, बाकी रोटी तैयार है तो ठीक है, एंजॉय करते हैं अपना डिनर, कैसा लगा आपको वीडियो बताना जरूर।
और फाइनली दिखाता हूँ आपको सब्जी जो रेडी हुई अपनी, ये दोस्तों ये रेडी हुई अपनी सब्जी तो जाएगी मस्त। इसमें आधा कप दही डाल रखा है, मज़ा आ गया। तो ठीक है, कैसा लगा आपको ब्लॉग बताना जरूर। बाकी एंड करते हैं, आप बिंडर पर हम भी करते हैं। ओके, मिलते हैं नई वीडियो। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, बताना आप कैसा लगा आपको। बाकी भाई नहाते हैं बढ़िया करके मस्त, तो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो भी बताना कैसा लगा। आज का अलग शूट होगा ना, अब ये तो कल का था अपना। तो ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।